हेलो स्टूडेंट्स स्टूडेंट, तो जेई मेंस 2021 को लेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है कि जेई मेंस में नेगेटिव मार्किंग से मिलेगी मुक्ति। देखते हैं क्या है डिटेल में न्यूज। एनटीए ने जेई मेन 2021 की घोषणा कर दी है। परीक्षा चार सत्र में होगी, 23, 24, 25 और 26 फरवरी को परीक्षा दो स्लॉट में होगी। इस बार विद्यार्थियों के पास परीक्षा में शामिल होने के कई विकल्प उपलब्ध कराए गए हैं। इसमें पेपर कॉम्बिनेशन, सत्र व स्लॉट चुनने का विकल्प शामिल है। स्टूडेंट, इसके पहले वाले वीडियो में डिटेल से इस पर मैंने बताया था। आगे लिखा है, जेई मेंस 2021 में पेपर पहले की तरह ही तीन खंड यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में होगा। प्रत्येक विषय में 30-30 प्रश्न होंगे, 20 प्रश्न थ्योरी बेस्ड होंगे। इनमें मल्टीपल च्वाइस क्वेश्चन, जिसे MCQ भी कहा जाता है, पैटर्न में पूछा जाएगा। वहीं अन्य 10 प्रश्न न्यूमेरिकल बेस्ड होंगे। इनमें से किन्हीं 5 प्रश्न का चयन कर विद्यार्थी हल कर सकेंगे और गलती होने पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ध्यान दीजिएगा, न्यूमेरिकल बेस्ड प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थियों को क्वेश्चन पेपर के साथ स्क्रैबल पेपर दिया जाएगा। परीक्षार्थियों को इस बार प्रश्न पत्र के भाषा चयन का भी विकल्प दिया गया है। इसके लिए विद्यार्थियों को कुल 13 विकल्प दिए गए हैं। तो ये आज का इंपॉर्टेंट अपडेट था स्टूडेंट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।